नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार स्वामी स्वागत करता हूं आपका दक्ष मरुद्रा टीचर ट्यूब पे। और आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो राजस्थान रिट और कॉन्स्टेबल में जो साइंस का पोर्शन है, इसमें मिश्र धातु की एक ट्रिक है जिसमें कॉपर और जिंक से जो मिश्र धातु बनती है उस पर एक ट्रिक बनाई है। बहुत आसान ट्रिक है और उससे कॉपर और जिंक से जो धातुएं बनती हैं इनको जब मिलाया जाता है, कॉपर धातु और जिंक धातु, तो उनसे जो बनने वाली मिश्र धातु है उस पर आधारित ये ट्रिक है। तो इस ट्रिक को अपन देखते हैं, इस ट्रिक से किस प्रकार इजीली आप याद रख पाओगे चीजों को। तो देखिए, ट्रिक है मिश्र धातु की, तीन मिश्र धातु हैं ये, डच मेटल, पीतल और मुंज मेटल। तो इसकी ट्रिक मैंने बनाई है ढुक्का जी, पीका जी और मुक्का जी। तो इसमें ढुक्का जी जो है इस डैश से हो जाएगा डच मेटल और का से हो जाएगा कॉपर और जी से है जिंक। देखिए, इसमें कॉपर जो है वो 80% होगा और जिंक है ये 20% होगा। पिक्का जी में पी से पीतल हो जाएगा, पीतल में कॉपर 70% और जिंक 30%। मुक्का जी में मुंह से मूंज मेटल हो जाएगा, इसमें कॉपर 60% और जिंक है 40%। इस प्रकार कॉपर और जिंक धातु को जब इस अनुपात में मिलाया जाता है 80-20 में तो डच मेटल बनती है, 70-30 में कॉपर 70% और जिंक 30% मिलाया जाता है तो पीतल मिश्र धातु का निर्माण होता है, और कॉपर 60% और जिंक 40% जब इनको आपस में मिलाया जाता है तो मुंज मेटल यानी मुंज मिश्र धातु का निर्माण होता है। तो इस ट्रिक से आप इनका परसेंटेज जो है उसको भी आप आराम से याद रख सकते हैं, 80, 70 और 60, ढुक्का जी, पीका जी और मुक्का जी, ये आपकी ट्रिक हो गई। इस ट्रिक से आप इस प्रकार इस ट्रिक को याद रखेंगे। और देखिए, ये ट्रिक मैंने बनाई है, इसी प्रकार अगर आपके पास कोई ट्रिक हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जिससे कि मैं उस पर लेक्चर बना सकूं। और आपको अगर कोई ऐसा टॉपिक लग रहा हो कि उस पर आपको ट्रिक चाहिए होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कमेंट बॉक्स में अगर मेरे पास ट्रिक होगी और मैं अगर बना सका उस टॉपिक पे तो मैं जरूर ट्रिक बनाऊंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए आपको कौन से टॉपिक, साइंस हो, जीके हो, तो उसमें आपको किस पे ट्रिक चाहिए वो ट्रिक मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आपको किसी टॉपिक पर पढ़ना हो, जैसे साइंस हो या फिर गणित हो या फिर जनरल नॉलेज हो, तो उस पे अगर आपको किसी विषय पर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जिससे कि मैं लेक्चर बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों, और लेक्चर जो है उसको शेयर जरूर कर देना जिससे कि दूसरों को भी फायदा हो जाए। लेक्चर को लाइक कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लगता तो ही लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के जो लेक्चर हों वो आपको आराम से मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।